हेलो नमस्कार। आज हम बेसन के बर्फी बनाएंगे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, हमें एक कटोरी बेसन लेना है, ये 150 ग्राम के आसपास बेसन है, आधी कटोरी चीनी लेना है और आधी कटोरी में घी लेना है, 8-10 बादाम लेना है और 8-10 हमें काजू लेना है और थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालिएगा। हम कढ़ाई में गर्म कर लिए थे, लो से मीडियम में हम इसे भूनना है। इसे थोड़ी देर 5 से 6 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है, इसे बेसन की कच्चापन दूर हो जाएगा। लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें घी को ऐड करेंगे। घी भी एक बार नहीं डालेंगे, धीरे धीरे हम घी को ऐड करेंगे और इसे लगातार भूनते रहेंगे। अभी हमें लगातार 2-4 मिनट तक इसे भूनना है। इस तरह से बेसन की बर्फी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और थोड़ी सी मैं फूड कलर इसमें डाल दिए हैं, इसे कलर और अच्छा हो जाएगा। देखिए ये पूरा घुलने लगा है, अच्छी तरह से घी निकल रहा है इसमें। अब एक बर्तन में थोड़ा सा घी लगा लिए हैं, इसी में हम बर्फी को जमाएंगे। अब हम चीनी डाल रहे हैं इसमें। गैस को इस समय आप बंद कर दीजिएगा जब चीनी आप डालिएगा तो। डाल के इसे मिलाकर हम बर्तन में निकाल लिए हैं। बर्तन निकाल के इसे हम चिकना कर लिए हैं और इसके अच्छी तरह से चम्मच से मिलाकर बराबर करेंगे हम। इसको थोड़ा सा पटक दीजिएगा तो अच्छे तरीके से बर्तन में सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर से हम काजू डालेंगे। आप बादाम, किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स जो पसंद करते हो आप उस पर से डाल सकते हैं, पिस्ता ये सब डाल सकते हैं। अब इसको प्लेटफॉर्म पर ही रहने दीजिएगा 2-4 घंटे के लिए, नहीं तो फ्रिज में डाल दीजिएगा तो जल्दी से ये जम जाएगा। ये देखिए जम चुका है। अगर ज़्यादा जम गया हो, नहीं कट रहा हो, तो थोड़ी सी गैस पर हल्का सा मतलब गर्म कर लीजिएगा, फिर वो अपने आप पीस बाय पीस निकल जाएगा। इसके हम पीस काट रहे हैं। देखिए निकल गया पीस। घर का बना हुआ कोई भी मिठाई बहुत ही अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और कोशिश करें पूजा पाठ में जो भी मिठाई हो, मार्केट से अच्छा है कि घर पे आप बनाकर भगवान को चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, वो शुद्ध भी होती है मिठाई। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।